विश्व बाजार में आपके देश की पहचान आपके देश का आकार नहीं अपितु आपके देश की कौशलता बनाती है। नमस्कार, आज मैं श्रेयस मुखर्जी आपके समक्ष सदन पटल द्वारा दिए गए विषय विश्व बाजार में आत्मनिर्भर भारत सफल या असफल पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। 21वीं सदी का भारत, जिसने 2019 में अमेरिका से $35 बिलियन का आयात किया, चीन से 74.92 बिलियन का आयात किया, 2020 में मात्र सितंबर महीने तक $45.18 बिलियन का आयात किया, जिसमें छोटे बच्चों के खिलौनों से लेकर किसानों की उर्वरक तक शामिल है। महोदय, विश्व बाजार में आत्मनिर्भर भारत एक मरज तृष्णा के अलावा और कुछ भी नहीं है। 21वीं सदी का भारत, जहां पर पूरे विश्व के सबसे ज्यादा युवा मौजूद हैं, परंतु अगर इन्हीं युवाओं की गुणवत्ता के बारे में बात की जाए तो एस्पायरिंग माइंड्स के तथ्यों के हिसाब से मात्र 18.43% अभियंता ही अपने अभियंत्रिकी कौशलता को दिखाने में पूर्णता सक्षम है। WHO रिपोर्ट 2016 के हिसाब से हमारे देश के 1/3 डॉक्टर सिर्फ 12वीं तक पढ़े हैं। इसी के साथ साथ भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर पूरे विश्व के 1/3 निरक्षर लोग मौजूद हैं, और इन परिस्थितियों में विश्व बाजार में भारत की आत्मनिर्भरता एक छलावे से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। 21वीं सदी का भारत, जहां कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के हिसाब से 83% लोग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिससे यह साफ झलकता है कि हमारे देश में दो क्षेत्र बने हुए हैं। पहले क्षेत्र में वो लोग हैं जिनके पास नौकरियां तो हैं, परंतु उनका योगदान हमारे सकल घरेलू उत्पाद में बहुत ही निम्न है। दूसरे क्षेत्र में वो लोग हैं जिनके पास नौकरियों की अपेक्षित कौशल नहीं है, जिसकी वजह से वो बेरोजगार हैं। इन परिस्थितियों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए यह कहना कि विश्व बाजार में आत्मनिर्भर भारत सफल है हमें कदापि शोभा नहीं देता। परंतु यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र क्षीरविजयो भूतिर्ध्रुवा नितिर्मतिर्मम, अर्थात जहां भी श्री कृष्ण और अर्जुन मौजूद हैं मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का भी समाधान मुमकिन है। तो इसी के चलते पहला उपाय है हमारी सरकार द्वारा चलाया गया कौशल विकास अभियान, जिसका मुख्य उद्देश्य है हमारे भारतीय युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना, ताकि आगे चल के वो अपने अंदर रोजगार परक कौशल उत्पन्न कर सकें। स्किल डेवलपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से 12.56 लाख भारतीय युवा इस अभियान से जुड़कर विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार हासिल कर चुके हैं। दूसरा उपाय है अगर हम निर्मित चीजों का आयात कर बढ़ा दें, ताकि भारतीय बाजारों में उनकी कीमत बहुत बढ़ जाए, परंतु जो संसाधन और कच्चा माल हम इस्तेमाल करते हैं उन पर ना ही केवल आयात कर हम कम करें, परंतु भारी मात्रा में सब्सिडी भी दें, तो बहुत ही कम समय में भारतीय बाजार में भारतीय उत्पादों की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। तीसरा उपाय है हमारी भारतीय सरकार को विकसित देशों की मदद करने के बजाय अविकसित देशों की मदद करनी चाहिए, ताकि वो देश आगे चल के हमारे लिए दोधारी तलवार बन सके। एक तरफ तो उन देशों में मौजूद संसाधनों को बहुत ही सस्ते दामों में भारत लाया जा सकेगा, दूसरी तरफ भविष्य में किसी भी युद्ध के समय वो देश हमारे लिए ढाल बन सकता है। और जिस दिन सूर्य की पहली किरण के साथ इन उपायों पर पूरी तरह से अमल किया जाएगा, विश्व बाजार में आत्मनिर्भर भारत सफल हो जाएगा और भगवान श्री राम की वाणी सत्य हो जाएगी, जब श्री राम हमारी धरती माँ की तुलना स्वर्ग से करते हैं और कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद् विजयसि। धन्यवाद।